हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। मैंने 2 हफ्ते पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने अपराजिता के पौधे और साथ में ही सदाबहार के पौधे की कटिंग लगानी सिखाई थी। तो ये वही पॉली बैग है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस पॉली बैग में 2 हफ्तों के बाद में कटिंग की कुछ ऐसी कंडीशन है। कटिंग के पत्ते अभी भी लश ग्रीन कलर के हैं और वो पीले नहीं पड़े हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक होप है कि इन कटिंग्स की जो रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगी। तो अब तक की अगर बात करें तो यहाँ हमारे रेनी सीज़न चल रहा था, जुलाई का मंथ था, तो मैंने कटिंग को जितनी बार भी बारिशें हुई तो बारिश में रखा, पर मैंने कटिंग को धूप में बिल्कुल भी नहीं रखा। तो इसी तरह से ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आप इन पौधों को कटिंग के ज़रिए मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मैं इसका क्लोज़ विजन आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये कटिंग्स ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। 2 हफ्तों के बाद भी इनमें अब फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है सदाबहार की कटिंग में। और अगर बात करें पानी की, तो मैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको मैंने पानी एक बार ही दिया था, क्योंकि पॉली बैग होने की वजह से और शेड में रखने की वजह से पानी जल्दी नहीं सूखता था। तो ये 2 बातें, आप कोई सी भी प्लांट की कटिंग गर्मियों के मौसम में लगाते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें। और अभी भी आप देखें कि आज हमारे यहाँ पे बारिश हुई है और इसकी मिट्टी अभी भी गीली है। तो इन कटिंग्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, जो कि बता रही है। पर अभी हम पहले अपराजिता के ये जो पौधे आपको कटिंग दिखाई दे रही है, इनकी चेक करते हैं कि रूट्स डेवलप हुई हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कभी किसी भी कटिंग को चेक करने जाते हैं, उसकी रूट डेवलपमेंट चेक करते हैं, तो कभी भी ये जो शार्प टूल, जैसे मैंने सीजर्स की हेल्प में ले रही हूँ या फिर आप प्रूनर की हेल्प लेते हैं, तो कभी भी शार्प टूल को कटिंग के बिल्कुल यहाँ, जहाँ पे कटिंग लगी हुई है, यहाँ पे कभी भी यूज़ मत करें। इसे इतने डिस्टेंस पे आपने शार्प टूल को यूज़ करना है जब आप कटिंग को निकाल के चेक करोगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम ये टिप बिल्कुल कटिंग के बॉटम में यहाँ यूज़ करते हैं, तो इससे जो भी रूट्स टेंडर अभी डेवलप हुई हैं तो वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये, चाहे आप कोई से पौधे की कटिंग लगा रहे हैं, उस कटिंग को आपने चेक करना है, तो इस तरह से आपने उसको देखना है। अब हम अपराजिता की कटिंग की रूट्स चेक करते हैं कि इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं या फिर नहीं। जब आपने इसकी मिट्टी को ढीले करना है, तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस पे सीजर का यूज़ करना है, तो इससे जो रूट्स होती हैं उनको नुकसान भी नहीं पहुंचता है। और आपने हल्के से इसकी रूट्स को निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी रूट्स डेवलप होनी शुरू हो गई है, बहुत ही टेंडर है। मैं आपको इसका क्लोज विजन दिखा रही हूँ कि इसमें रूट्स डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, इसकी रूट्स बहुत ही टाइनी है, जो डेवलप होनी शुरू हो गई है। तो ये अब एक हमारा अपराजिता का पौधा चल गया है, इससे बहुत ही क्लियर ये शो हो रहा है। तो ये जो टेंडर रूट्स हैं, ये बहुत ही क्लियर दिखा रही हैं कि अपराजिता के पौधे की रूट डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरह से ये मेरी कटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।